सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को नमस्ते। मेरा नाम अंशुल चौधरी है और मैंने एमए संस्कृत, उसके बाद अभी मैं पीएचडी और गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ दयानंद चेयर फॉर वैदिक स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। और सबसे पहला प्रश्न है कि हमारी कुछ जो की हैं, हमने क्या सीखा है इस वर्कशॉप से। तीन चार चीज़ें लगातार हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता था, उसमें मैं बताता था। तो सबसे पहला था कि भाव और अभाव, हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते थे और जो हमारे पास चीज़ें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। अब लगभग दो तीन दिन से ये जा रहा है कि जो है उसमें हम उसमें इंजॉय करें, जो नहीं है वो भी आ जाएगा। एक दिन मैंने बताया था ना कि फेलोशिप नहीं आएगी तो हम दुखी हो गए थे, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, जो है उसका इंजॉय करें। तो वो कल आ गई तो हम तब भी नेचुरल थे कि आ गई, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद बताया था मैंने रिस्पॉन्स और रिएक्शन, तो हमने इस पर लगभग बहुत काम किया है, फिर भी कल एक दो बार गलती हुई, फिर भी सुधार किया। तीसरी बात थी प्री कंडीशनिंग, तो मेरा भाई अक्सर मेरे साथ रहता है, मैंने एक दिन बताया था आपको, तो वो ग्राउंड जाता है, तो ग्राउंड जाता है तो मेरे पास मेरे एयरबड्स थे, तो वो कहता है भैया मैं भी इनको लेके जाऊँगा। मैंने क्यों लेके जाएगा, कि ग्राउंड में सारे ना उसको लगा के दौड़ते हैं तो अच्छा लगता है। मैंने कहा तू खुद चाह रहा है या किसी देख के किसी प्रभावित होकर लेके जा रहा है। बोलता है भैया बात तो है ये कि मैं उनको देख रहा था तो इसलिए मैं ले जा रहा था। मैं तेरे साइड कान भी ख़राब हो सकते इसके कारण दौड़ते दौड़ते तू यूज़ करता है, ठीक है भैया मैंने ले जा रहा। और वो खुशी हो गया, बोलता है मैं इसको लेके नहीं जाऊँगा। तो जो हमारी जो मान्यता थी वो भी परिवर्तित हो गई। और चौथा था कि संबंध में रहने का भाव हमें बनाना चाहिए। तो लड़ाइयाँ कई बार होती हैं और अब तक जितने उनसे मेरा कॉन्फ्लिक्ट था लड़ाइयाँ होती थी, अब एक दो ही बच्चे जिनसे मैं लड़ाई है, बाकी वो भी उनसे भी अगर लगातार बनेगा तो संबंध में रहने का भाव मेरे अंदर आएगा तो मैं चल लूँगा। और उसके बाद थॉट्स बिफोर और आफ्टर क्या आ रहा, कि जब मैं पहले आया था तो अक्सर क्या होता था ना, मैं बाहर सुख देखता था, सुख रहता था, जैसे कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कहीं घूम लिया। मैं अक्सर इनको परेशान करता था, हम दोस्तों को, यार चल कुछ खा के आते हैं 15, आज या चल ये खा के आते हैं, आज वो खा के आते हैं, तो उसको छोटी छोटी चीज़ हम सुख देखते थे। परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है, चलो वो तो एक सुख शरीर का है, परंतु अपने को निरंतर बनाने रखने के लिए अंदर एक सुख देखना है और वही उस पर काम करेंगे तो हम लगातार सुखी रहेंगे। और रही लास्ट वाली जो चीज़ है कि हम क्या कमिटमेंट करते हैं। अभी मैं अपनी प्रयोगशाला में खुद शोध कर रहा हूँ, जब मेरा ये शोध मुझे लगेगा कि मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया है तो मैं कहीं ना कहीं दूसरे को करा पाऊँगा। इतना कह के मैं पानी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।